नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हाई प्रोफाइल सीट है निम्बाड़ा, जहां से शिक्षण मैदान में है, तो ऐसे बात किया है तो उनके दौरे को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम और इंडिया टीवी की टीम लगातार कवरेज कर रही है। और किस तरीके से क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके से समर्थकों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बांगेड़ा घाटे पे जो लोग हैं यहाँ के, उन लोगों से बात करें किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल है शिवचंद जी को लेकर। बहुत जोरदार माहौल है, 101% माहौल है और हजारों की तादाद में श्रीचंद जी फाइनल इस बार जीत रहे हैं। मंत्री जी का आभार और हजारों जगह स्वागत, बांगेड़ा बड़ावली लोगों में बहुत ही उत्साह, लोग ट्रैक्टर लेकर खेत का गांव छोड़कर लोग इस चुनाव में एकजुट होकर भारत के इस मतदान में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और भारी मतों से श्रीचंद जी को विजय मना रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या उत्साह कितना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी का तो एक मेन ही मुद्दा है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से सारे परेशान है और बीजेपी के राज में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है और बाकी तो सब बहुत उत्साह, बहुत हद से ज्यादा उत्साह है। सभी जगह जोरों से स्वागत हो रहे हैं, काफी समर्थन मिल रहा है, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जोर जोर के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह है युवाओं में, किस तरह का उत्साह है युवाओं में? तो बहुत जोश भरा उत्साह है। अच्छा, लोग मतलब कि हजारों वोटों से जिताएंगे सृजन करोड़ानी को। अच्छा, क्या कहेंगे, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा भारतीय जनता पार्टी पर, किस तरीके से आप सृजन जी को अपना प्रत्याशी मानते हो? भारतीय जनता पार्टी में हमारे सबसे मेन मुद्दा है हमारे श्री राम मंदिर का, भगवान श्री राम मंदिर का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मोदी जी के सभी काम से सब कार्यकर्ता संतुष्ट है। सृजन जी कैसे नेता है, किस तरह के जन जन नेता है, क्या 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 काम करते हैं, किस तरह के फोन उठाते, क्या है? सृजन जी हमारे सीधे सिंपल नेता है और हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की वो बात सुनते हैं और शांत स्वभाव से हमारे से बातचीत करते हैं और हमारा काम जो भी होता है वो काम सुनते हैं, काम करते हैं। क्या कहेंगे, आप यूथ हैं, युवा है एकदम, क्या किस तरह से सोचते हैं सृजन जी को, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा देखा होगा आपने कि यहाँ का कनेरा का क्षेत्र भी अगर निम्बाड़ा हॉस्पिटल में आते हैं तो बाइक चोरी में पूरे राजस्थान में अगर प्रथम स्थान की हासिल किया तो निम्बाड़ा है। आज निम्बाड़ा में देखा होगा बचेरा मेले के समय एक बहन के साथ दुराचार हुआ, अभी तक अपराधियों के चाहे गिरफ्तार हुए नहीं हुए, ये बात का इशू है, अपराधियों को सुनने में आएगा अपराधी गिरफ्तार हुए लेकिन नाम शो नहीं हुआ। आज यहाँ देखा होगा रंगदारी की प्रथा चल रही है, आज यहाँ कनेरा क्षेत्र में जमीन अलॉट हुई, यहाँ के कई करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, हमारी सरकार में 3 बार जमीन अलॉट हुई, 1 रुपए की चाय किसी की नहीं पी, यहाँ केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा। आज यहाँ देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जो पट्टे बनाए जा रहे पंचायतों में, जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरपंच वहाँ 10-10 हजार रुपए लिया जा रहे, आज देखा होगा निम्बाड़ा में विकास नहीं केवल इन्होंने लूटा है लूटा। और ये कह रहे ना कि काम किया दिल से, अरे दिल से काम नहीं किया, अगर दिल से काम किया होता तो आज जनता को परेशान करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल इन्होंने लूटा। आज देखा होगा जो पिछले 14 से 18 में जो हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी के नेता सृजन जी कृपलानी ने जो विकास किया, आज वो विकास है केवल बैनर और पोस्टर की राजनीतिक होती है। आज अरे वो बैनर और पोस्टर की राजनीति करते, हम जनता के दिलों पर नाम लिखाते। और आज देखा होगा निम्बाड़ा में बड़े बड़े वादे किए कि हमने हॉस्पिटल बना दिया, आज हॉस्पिटल का बराबर कलर इमिशन भी नहीं हुआ, इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। निम्बाड़ा से मंगलवार देखा होगा अभी तक यूं से चूं तक काम नहीं हुआ और कह रहे कि हमने मंगलवार से निम्बाड़ा सड़क बना दी, केवल और केवल ये भ्रष्टाचार हुआ। या देखा होगा बाइक चोरी हुई, आज यहाँ पार्षदों की और इनके जो सरपंच है आज इनकी रंगदारी चल रही है। आज वर्तमान में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है तो कभी भी, चाहे आज हमारे श्रीचंद जी कृपलानी मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे और विधायक भी रहे, लेकिन सबसे पहले कहते कि मेरे निम्बाड़ा विधानसभा का साथी चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो हमेशा काम करते, कभी ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस का है कि भारतीय जनता पार्टी का, उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि मेरे निम्बाड़ा विधानसभा का कार्यकर्ता है उसका काम सबसे पहले। लेकिन वर्तमान में देखा होगा क्या हो रहा है, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करवाने के लिए चला जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा काम नहीं हुआ। आज अफीम को लेकर बात होती है, आज अफीम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, अरे ये बताओ, ये कह रहे कि हमने दौड़ा चूरा का जलने नहीं दिया, पैसे नहीं दिया, ये बताओ कि पहली की परीक्षा पहली में ली जाती है, पहली की परीक्षा 8वीं में ली जाती है, आज 3 साल से दौड़ा चूरा जलाने का काम हुआ, तो जनता को परेशान करने का काम किया। आज हमारे सांसद
और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी हमेशा प्रयास करते हैं अफीम के पट्टे को लेकर, और राजस्थान के हाथ में अफीम के पट्टे का लेकर कुछ नहीं है, लेकिन ये लोलीपॉप पकड़ाने का काम राजस्थान की जनता को और निम्बाड़े की जनता को कर रहे हैं। लेकिन निम्बाड़े की जनता 25 तारीख को कांग्रेस को ऐसे ही डिलीट करेगी कि दुनिया में कोई राजस्थान में राजनीति करने के लिए कांग्रेस कभी सोच नहीं पाएगी। 25 तारीख को कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर निम्बाड़े की जनता एक सामान्य परिवार में से निकले हुए एक साधारण कार्यकर्ता को आशीर्वाद देकर राजस्थान युवा एकजुट होकर पार्टी को विजय दिलाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी को परेशान होकर छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं, और बहुत ही घाटा क्षेत्र में कम से कम 5,000 की लीड घाटा क्षेत्र में जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली। तो देखा आपने परिवर्तन का मूड यहाँ पर जो है जनता में देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है कुछ देर में स्वागत किया जाएगा जेसीबी से, कुछ वर्षा की जाएगी उनके आगमन को लेकर। तो हर जगह जो है लगातार एक उत्साह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, उनके समर्थकों में देखने को मिल रहा है, और गाँव के जो जमीनी मुद्दे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी का एक बड़ा मुद्दा है, करप्शन का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, इस तरीके से कहे तो यहाँ पर जो है अफीम का ये बेल्ट माना जाता है। यहाँ पर अफीम किसानों की एक अपनी समस्या है, तोड़ रखते की एक अपनी समस्या है, तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में जा रही है, और स्वागत करने का काम यहाँ पर अपने जो जन नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सीजन उनके दौरे को लेकर यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। स्वागत किया जाएगा, हम भी लगातार उनके तमाम जो गाँव के आज के दौरे हैं उनको लेकर अपडेट दे रहे हैं, प्रत्येक जो अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं।